नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। हॉट मुद्दा, हर जगह धुआं ही धुआं। इस धुएं को आप ठंड के कोहरे का नाम नहीं दे सकते। दोस्तों, शरद ऋतु का आगमन जरूर हो चुका है, किंतु उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में विषैले धुएं की एक चादर सी एकदम ढक गई है। इस विषैले धुएं को लेकर सरकार, प्रशासन या आम जनता, हर कोई चिंता में है। किंतु हॉट मुद्दा धुआं, इसके लिए केवल किसान ही जिम्मेदार नहीं है। उत्तर भारत में राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। इस समस्या को लेकर हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन सच्चाई और गहराई तक कोई नहीं जा रहा। लेकिन अर्थ प्रकाश की टीम के कड़े प्रयास से आज इस गंभीर मुद्दे की हकीकत जानी देश के अन्नदाता से, जो न धूप देखता है, न छांव, न मूसलाधार बारिश और न ही तूफान। बस उसकी मेहनत जब रंग लाती है तो घर घर में अन्न पहुँचता है। इस संबंध में अर्थ प्रकाश की टीम ने ट्राई सिटी के आसपास खेत ढूंढने की कोशिश की, फिर भी वो इस हॉट मुद्दे की ग्राउंड रिपोर्ट तक निकालने में कुछ हद तक कामयाब हुए। अब देखिए असली दिक्कत कहाँ आ रही है। आपका नाम? मेरा नाम संत सिंह है जी। और कौन सा पिंड? दाऊ है जी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मोहाली, ये जो सरकार ने बोला है कि पराली जो है इस बार नहीं जलाई जाए, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जलाई जा रही है, तो इसका जो सीधा सीधा उंगलियाँ हैं वो किसानों की तरफ उठ रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? ठीक है जी, वह तो इदा जी, जी पराली का मतलब असी तो अग लाई नहीं वैसे उरे एरिए अच्छी गल नहीं, क्यों शहर के नेड़े रहने हैं, काफ़ी कुछ देखना पैंदा। बाकी यदि अग लाने नुकसान तो पता ही सारा कुछ भी, जे अग ना लाइए तो नुकसान यदा अपने जिमीदार का तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा, ठीक है, या तो तेल का खर्चा जिमें डीजल का ही खर्चा ज़्यादा, मतलब सब तो महंगा तेल ही है, और या तो सरकारी का सरकारी रेट होर फसलों का दबे, जिमें जीरी और कणक का सरकारी रेट मिलता, इदा कोई होर फसल का सरकारी रेट बनने पक्का, ठीक है नहीं, तो जिमीदार को फायदा। और बाकी यदा जीरी तो ही पिछे हटूगा ना लाने से, जो होर फसल का सरकारी रेट मिलेगा, नहीं तो फिर यदा एक तो टाइम का नुकसान बहुत है, बाकी कई बार बाहना पैंता जमीन में, और तेल का खर्चा ज़्यादा, जिमीदार का काफ़ी नुकसान है, या फसल का रेट ज़्यादा बढ़ा, ठीक है जी, उते बड़ा फायदा हो सकता, डीजल उन्ना ही चलो जो वेस्टिंग होंदा तो कवर कर सकता बस। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बोला कि यहाँ पे तो चलो नहीं जलाई जा रही है, लेकिन कई ऐसे और किसान भाई हैं जो जला रहे हैं, देख रहे हैं पंजाब से काफी, तो उनके लिए भी कोई समाधान जो है वो सरकार को करना चाहिए, जो कोई समाधान पक्का। वो तो देखो सरकार ही कर सकती, जिवें गत्ते की फैक्ट्री या कोई एहदा मतलब कटर गल कट के ये माल जिमीदार का अग लाने तो बच सकता, गत्ते दे फैक्ट्रिया वगैरह हर एरिए डिस्ट्रिक्ट लगने चाहिए, मतलब कवर करे इस चीज़ नूं, ठीक है नहीं, ता ही हो सकता है। बिल्कुल, और हाँ, और कोई मांग आपकी कोई सरकार से? मांग तो रेट दी वही है भी, कोई सरकारी कोई नमी जिवें फसल है तो पिछे हटाया जावे, चलो पानी की भी वेस्टिंग है ये, ठीक है नहीं, पानी के लेवल भी डाउन होंगे जा रहे दिन पर दिन, बाकी जे कोई फसल पक्का सरकारी रेट मिल सके तो जिमीदार आस्ते आस्ते पिछे हट काफ़ी फर्क पै सकता है, हटता ही रहा। एक और जो है लाइन लिखी गई थी न्यूज़पेपर में कि किसान जो है वो पहले लोगों का पेट भी भरता है, और अब बोल रहे हैं कि वो जो प्रदूषण है उसका भी ध्यान रखें, तो किसान क्या क्या करें और सरकार जो है वो किस लिए बैठी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो सरकार नूं तां करना चाहिए, किसान कहीं कोई इन्नी निगरानी रख नहीं रहा, ठीक है नहीं, ये तां बहुत जरूरी है, जो भी है किसान देखो मतलब कर्जे थले पहले ही आए हुए होंने, तुहानूं पता ही है, ठीक है नहीं, भी रे हर एक चीज़ महंगी है, बीज जो भी है, डीजल का खर्चा, ठीक है नहीं, बाकी मतलब कुदरती मार भी पैंदी किसान ते, वो तो महाराज के हाथ से जो भी है,
ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੀਰੀ 'ਤੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੂਗਾ ਬਹੁਤ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਬਸੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਕੇ ਲਈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ।